Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Selena Gomez and Hailey Bieber. Why suddenly they became friends? Recently, Academy Museum Gala के दौरान Hailey और Selena दोनों वहाँ मौजूद थे. वो event के दौरान वो मिले and then they even posed for the photos together. अभी सवाल यह ये उठता है कि इतने सालों बाद ऐसा क्यों हो? ये कई साल पहले भी किया जा सकता था. एक फोटो दोनों साथ में डालते हैं, सब sort out हो जाता. पर ये पर्टिकुलर ओकेशन पे ऐसा क्या हुआ? So those who don't know, Selena versus Hailey Bieber अभी almost 8-9 years से चल रहा है. 2009 यानी कि ऑलमोस्ट 13 ईयर्स अगो Selena स्टार्टेड डेटिंग जस्टिन बीबर बट फॉर सम रीजन ये रिश्ता चला नहीं एंड दे सेपरेटेड आफ्टर फ्यू ईयर्स. फिर डाउन द लाइन कुछ साल बाद Hailey जस्टिन की लाइफ में आई. 2018 में दोनों ने शादी भी कर ली. चार साल हो गए उस बात को पर क्योंकि जस्टिन डेटेड Selena एंड Hailey बोथ ऑफ देम तो उनके जो फैंस है ना उनमें एक अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा है टू अपलिफ्ट देयर फेवरेट सेलिब्रिटी. Selena के फैंस Hailey को हेट देते हैं, Hailey के फैंस Selena को. नॉट everyone, बट वी नो कि पूरे फैन बेस में कुछ ऐसे इमेच्योर लोग होते हैं जो अपने फेवरेट्स को डिफेंड करने के चक्कर में दूसरों को पुट डाउन करने का ट्राई करते हैं. अभी कई सालों से ये चल रहा था. मेंटली Hailey एंड Selena के लिए इट वॉज एग्जॉस्टिंग बट दे नेवर रियली टुक एनी एक्शन टू क्लोज दिस मैटर. मे बी दे थॉट कि कुछ साल बाद ये मैटर ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे. पर 4 लॉन्ग ईयर्स ऑलरेडी हो गए हैं जस्टिन Hailey के मैरिज को, स्टिल नो वन हैज मूव्ड ऑन. हाँ, इन तीनों ने मूव ऑन कर लिया है पर इनके फैंस ने नहीं. अभी भी फैंस ना 2010-2012 के एरा में अटके हुए हैं. Hailey बीबर को कॉन्स्टेंटली हेट मिल रहा है. लोग ऐसे कमेंट्स अभी भी पास करते हैं कि शी स्टोल जस्टिन बीबर. बट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जस्टिन एक अडल्ट है. ही मेड हिज ओन चॉइस. वो एक चीज नहीं है कि उसे चुराया जा सकता है. दूसरे तरफ Selena Gomez भी अटैक हो रही है. कुछ भी अपना वो टिकटॉक पोस्ट करती है तो उसे Hailey से लिंक किया जाता है. जैसे ये स्किन केयर रूटीन ना टिकटॉक पे Selena ने ऐसे ही मस्ती में पोस्ट किया था पर उसके नीचे लोग कमेंट्स करने लगे कि Selena Hailey को ये स्किन केयर रूटीन वाया टॉन्ट मार रही है. बिकॉज Hailey बीबर ने भी कुछ देर पहले ही ना एक स्किन रूटीन डाला था और ये इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया ना कि Selena को सामने से आके क्लैरिफाई करना पड़ा दैट शी वॉज जस्ट हैविंग फन एंड वो किसी को भी टॉन्ट नहीं मारी थी. Selena ने ये तक लिख दिया कि इसी वजह से उसे सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करना पसंद नहीं है. तो कैन यू इमेजिन द प्रेशर एंड स्ट्रेस जो ये लेडीज को फेस करना पड़ता है. वो मजाक मस्ती में कुछ डाल भी नहीं सकते क्योंकि उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है. दोनों को भी एक दूसरे का स्केड्यूल देके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ता होगा वरना तो लोग अपना ही कोई नरेशन बना देते हैं अगर दोनों ने सेम डे पे कुछ भी पोस्ट किया तो. पास्ट में मे बी ये सब उन्हें इमोशनली एंड मेंटली ड्रेन करता होगा बट अभी दिस फैन वॉर इज अफेक्टिंग देयर बिजनेसेस आल्सो. Selena रेयर ब्यूटी की ओनर है एंड Hailey रोड ब्यूटी की. तो नो मैटर ये ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, Hailey को पसंद करने वाले Selena की रेयर ब्यूटी के अगेंस्ट ही बात करेंगे एंड Selena को पसंद करने वाले रोड को पुट डाउन करने का ट्राई करेंगे. अभी दोनों दो सेम ब्यूटी ब्रांड के मार्केट में हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग, पर ये फैन हेट्रेड ना उन्हें काफी ज्यादा नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है. लॉन्ग रन में दिस विल बिकम इवन मोर टॉक्सिक एंड दे मे लूज ऑन पोटेंशियल कस्टमर्स. अभी जस्ट Hailey एंड Selena की बात नहीं रह गई है, इंडिविजुअल लेवल पे बात अलग होता है पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो पार्टनर्स या एडवाइजर्स होंगे ये दोनों सेलिब्रिटीज के उन्होंने ऑफकोर्स उन्हें एडवाइस किया होगा टू एंड दिस फ्यूड. Hailey ने इनिशिएट किया फॉर पीस बाय बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड Selena ड्यूरिंग हर कॉल हर डैडी पॉडकास्ट. काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछे गए पर Hailey ने Selena के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं. इंटरव्यूअर ने काफी ट्राई भी किया Selena को थोड़ा नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करने का पर Hailey ने उसको काफी अच्छे से हैंडल किया. I have no expectation. I would never expect someone to do that for me. Like, she doesn't owe me anything. I don't owe, neither of us owe anybody anything except, like, respect. I respect her a lot. And I think that, like, there's just no expectations. If that was something that she felt was necessary, then that would be amazing. But I respect her. There's no drama personally. एंड ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद Selena Gomez ने भी काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया बाय इनडायरेक्टली टेलिंग हर फैंस टू स्टॉप एंड नॉट स्प्रेड हेट टुवर्ड्स Hailey Bieber. तो वर्चुअली दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया एंड ये गाला के दौरान टेकिंग फोटोज टुगेदर वॉज द फाइनल मूव. ऐसा लग भी रहा है कि Selena एंड Hailey की जो टीम थी ना उन्होंने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर लिया था कि गाला के दौरान दोनों सेलिब्रिटी को एक फोटो सेशन साथ में करना चाहिए. और अभी नेक्स्ट मंथ Selena का डॉक्यूमेंट्री इज ऑल्सो रिलीजिंग एंड ये जो भी गाला के दौरान हुआ ना वो डॉक्यूमेंट्री को काफी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा. इसके पहले पॉसिबिलिटी था कि Hailey Bieber के फैंस ये डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मे भी चीजों को गलत वे में ले सकते थे एंड फिर Selena फैंस वर्सेस Hailey फैंस होता. बट जब ये दोनों लेडीज में ही दोस्ती हो गया है तो फैंस में ऑल्सो बैकअप. फनी चीज यहाँ ये है कि इतने सालों में ये पूरे कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान जस्टिन बीबर ना अनअफेक्टेड रहे हैं. ये दोनों लेडीज को ही कॉन्स्टेंटली हेट मिल रहा है. इट इज लाइक Hailey एंड Selena वेर नॉट डेटिंग जस्टिन बीबर बट डेटिंग ईच अदर. जस्टिन फ्रेम में ही नहीं है. देन सम ऑफ यू मे इवन से कि Selena को बहुत साल पहले ही ये कर लेना चाहिए था
बट यू हैव टू सी दिस होल ड्रामा फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. जस्टिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी अभी शादी हो गई है एंड हेली उसकी वाइफ है. अगर सामने से सेलिना जाती एंड दोस्ती का हाथ बढ़ाती ना तो लोग ये नरेशन फैलाते कि हेली एंड जस्टिन जो शादीशुदा है ना उनके बीच में शी इज गोइंग, शी इज इंटरफियरिंग, ट्राइंग टू ब्रेक देयर मैरिज, होम रेकर तक उसे बुला देते. सब तरीके के नरेशन दिए जाते. इंडीड ये मैटर में हेली का डिसीजन मैटर करता है दैट वेदर शी इज ओके बीइंग फ्रेंड्स विद हर हस्बैंड्स एक्स, एंड इफ शी इज ओके तो फैंस कांट ब्लेम अ पर्टिकुलर पर्सन. हेंस हेली बीबर का पब्लिकली ओपन में दोस्ती का हाथ बढ़ाना एंड ये बोलना कि मुझे सेलिना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट रिस्पेक्ट हर, दिस वॉज अ वेरी ग्रेट जेस्चर. गट्स चाहिए रहता है ऐसा करने के लिए. सोचो इंडिविजुअली इनके ब्रांड्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, थोड़े ही महीनों में रेयर एंड रोड पॉपुलर ब्रांड्स बन गए हैं. एंड गो फर्ब सिंस अभी हुआ है बट दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो इनके इस दोनों ने साथ में कोलैब करके कोई कलेक्शन लॉन्च किया तो कितना ज्यादा बस क्रिएट होगा. जैसे काइली करती है, उसने अपनी हर बहन के साथ एक कलेक्शन लॉन्च किया है. इससे क्या होता है ना, इंडिविजुअल्स का फेम मर्ज हो जाता है, उस कलेक्शन को ज्यादा अटेंशन मिलता है. इस सिचुएशन में कर्डाशियंस होते ना तो अभी तक ऐसे कंट्रोवर्सी को उन्होंने कैश इन कर लिया होता, पर हेली एंड सेलिना ने ऐसा नहीं किया. लास्ट 5-6 इयर्स में उनके पास चांस था, स्टिल उन्होंने कभी इस कंट्रोवर्सी को खुद के फायदे के लिए यूज नहीं किया, तो शायद ही आगे जाके भी करेंगे. सेलिना, जस्टिन एंड हेली ये तीनों की इक्वेशन पे रियलिटी शो बन सकता है, पर दे नेवर ट्राई टू गेन फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये तीनों के लिए जर्नी काफी इमोशनल एंड सेंसिटिव रहा है. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि सेलिना एंड हेली को ऐसे साथ में देख के आपको कैसा लगा. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.